अदल बदल के आवे, दोनों पक्ष अदल बदल के आवे, 12 महीने बदल के आवे, 60 संवत्सर बदल के आवे, तो काल की दृष्टि से देखो, समय की दृष्टि से तो सब चीजें बदल रही हैं और उनका पुनरावर्तन हो रहा है, लौट लौट के वही आते हैं। अच्छा, स्थान की दृष्टि से देखो तो जो अभी पूरब है वही पश्चिम हो जाता है, जो पश्चिम है सो पूरब हो जाता है। यहाँ बैठे हैं तो नेपेंसी रोड एक तरफ है और महालक्ष्मी दूसरी तरफ है, गुलाबा तीसरी तरफ है, और यदि हम अपनी जगह बदल दें तो सारी दिशाओं में हेर फेर हो जाए। वस्तु की दृष्टि से देखो तो एक चक्र चल रहा है, एक गेहूं का बीज है, उसमें से तना निकला, अंकुर निकला, फिर बीज हो गया, बीज से फिर अंकुर हो निकला, फिर बीज हो गया, अंकुर और बीज के क्रम से जो बाप है वो बेटा हो जाता है, जो बेटा है वो बाप हो जाता है। इसी क्रम से ये चक्करदार सृष्टि जो है ये हमेशा से घूम रही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कर्म। जहां जहां गति होगी वहां वहां कर्म कारण होगा। तो अपने भारतीय आचार्यों के द्वारा चलाए हुए जितने संप्रदाय हैं वे सब ऐसा मानते हैं कि इस चक्कर का कारण कर्म है। बौद्ध भी, जैन भी और आर्य समाज भी, सनातन धर्म भी, सिख भी, भारतीय आचार्य के द्वारा चलाए हुए जितने संप्रदाय हैं वे कर्म के अनुसार उठना और गिरना, अदलना और बदलना मानते हैं। तो कर्म से एक फल की उत्पत्ति होती है, उससे ये शरीर मिलता है और दुनिया में सब चीजें होती हैं। तो और फिर वासना होती है,
तो वासना से कर्म होता है, कर्म से संस्कार होते हैं, संस्कार से वासना होती है। जैसे हम अच्छे बुरे काम करते हैं, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा संस्कार पैदा होगा, बुरे काम करेंगे तो बुरे संस्कार पैदा होंगे, और होते ही हैं। उसको कोई कहे कि हम जोर जबरदस्ती से नहीं होने देंगे, सो बात नहीं है। जो किसी को तकलीफ दे के आवेगा, वो जोश में जब तक रहेगा तब तक उसको नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं तो बाद में मालूम पड़ जाएगा कि हमने गलत काम किया। गलती करके और उस पर दस्तखत न करे कोई, ऐसा किसी का मन नहीं है। भीतर हस्ताक्षर होता है, वो ये ईश्वर का ऐसा विधान है, ऐसा कानून है ईश्वर का कि आदमी बुरा काम करेगा तो भले दूसरे को न मालूम पड़े, लेकिन भीतर से वो मंजूर कर लेगा कि मैंने बुरा किया है, और अच्छा काम करेगा तो अच्छा भाव उदय होगा। तो ये जो संस्कार पड़ता है, इसके अनुसार फिर वासना उठती है, और वासना से फिर कर्म होते हैं, और कर्म से फिर संस्कार होते हैं। ये संसार का चक्र है। तो ये चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। चींटी भी ब्रह्मा हो जाती है और ब्रह्मा भी चींटी हो जाता है। इसके संबंध में शास्त्र के बहुत से मतभेद हैं। तो सबकी संगति है, सब अपने में बिल्कुल ठीक हैं, पर उसका मैं विस्तार नहीं करता हूं, क्योंकि मन में जहां तक काम है वहां तक स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, और क्रोध है तो दुश्मन रहेगा, लोभ है तो धन रहेगा, मोह है तो परिवार रहेगा, और इनके चक्कर से आदमी को छुटकारा नहीं मिल सकता। तो ये जो साधन है जिनका उपदेश शास्त्र में किया जाता है, वो काम की पराधीनता से छूट करके राम के पराधीन होने के लिए किया जाता है। माने हम अपनी व्यक्तिगत जो वासना है और स्वार्थ है उसको छोड़ करके, उसके चक्कर से मुक्त हो करके अपने कर्म इसके लिए करें कि सबके भीतर विराजमान जो ईश्वर है वो खुश होवे। तो जब तक मनुष्य ईश्वर की प्रति अपने कर्म का अनुष्ठान नहीं करता, काम नहीं करता, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। दुनिया की चीज बड़ी से बड़ी उसको मिल सकती है, कुर्सी ऊंची से ऊंची मिल सकती है, उसकी दुनिया में इज्जत बढ़ सकती है, लेकिन हृदय की जो शांति है वो नहीं मिल सकती। ये मुक्ति जिसको बोलते हैं ना, मुक्ति, मुक्ति का मतलब ही है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, संसार के जो बंधन हैं उनसे मनुष्य को छुट्टी मिले तब मुक्ति है। ये जो कई वेदांती इस भरोसे ये रहते हैं कि जिंदगी में तो काम क्रोध लोभ मोह का चक्कर फरे रहे, मरने के बाद छूटेंगे, तो जो जिंदगी में उनको अपनाते हैं वो मरने के बाद भी उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो उनके प्यारे हैं, पकड़ के बैठे हैं जिसको, वो मरने के बाद भी आवेंगे। तो इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में जो बुराई है, अधर्म को धर्म से जीतो। तो ये अधर्म कहां से आता है? कर राग द्वेष से आता है। किसी से राग करके पक्षपात करेंगे और किसी से द्वेष करके उससे दुश्मनी साधेंगे, तो राग द्वेष से बुराई आती है। तो चित्त में निस्वार्थ भाव का उदय होना चाहिए, वैराग्य की भावना से राग द्वेष पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर मन में अहंकार आता है कि मैं बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। तो ये
ये अहंकार भी एक पाप है, ये जिसके भीतर आता है उससे पाप कराए बिना मानता नहीं, वो बुरा काम कराता है। तो अहंकार से छूटने के लिए ईश्वर की शरणागति आवश्यक है, वो भगवान के सामने हाथ जोड़ना, ये भगवान की शरण में होना जीव की कमजोरी नहीं है बोला, ये बल है। ईश्वर की शरणागति आवश्यक है, वो भगवान के सामने हाथ जोड़ना, ये भगवान की शरण में होना जीव की कमजोरी नहीं है बोला, ये बल है, आत्मबल है। कमजोर आदमी तो ईश्वर के भरोसे रह ही नहीं सकता। एक सिपाही है चौराहे पर खड़ा होके चाहे जिसकी मोटर रोक दे तो वो किसके बल से रोकता है, का अपने व्यक्तिगत बल से रोकता है, कहने सरकारी शक्ति से, सरकारी बल से रोकता है। तो सिपाही होने से उसका बल घट गया कि बढ़ गया? उसका बल बढ़ गया सिपाही होने से। इस प्रकार दुनिया में जो लोग काम करते हैं और ईश्वर के सहारे होकर के करते हैं, उनका बल बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अधर्म को धर्म से और राग द्वेष को वैराग्य से और अभिमान को ईश्वर चिंतन से और अज्ञान को, दुनिया में सबसे बड़ा दुख जो है वो नासमझी है। वो हमको कल का तो पता नहीं लगता, आज कोई घटना घटित हुई अब कल क्या होने वाला है ये तो मालूम नहीं, और झूठे ही रोने बैठ जाते हैं या झूठे ही अपने दिमाग पर बोझ ले लेते हैं या खुशी के मारे फूल उठते हैं। पांव के नीचे क्या है ये मालूम नहीं, सिर के ऊपर क्या है ये मालूम नहीं, एक क्षण के बाद क्या होगा ये मालूम नहीं, और हम सामने की घटना को देख करके बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सारा जो दुख है जीवन में वो आत्मा की असलियत, अपने स्वरूप को न जानने के कारण है। तुम कौन हो? तुम्हें ये मालूम है कि किसकी बहू कौन है, किसकी बेटी कौन है, किसका भाई कौन है, किसका पैसा कौन है, किसकी दुकान कौन है, ये सब मालूम है, परंतु मैं कौन हूँ ये मालूम नहीं है। इसी को कहते हैं दिया तले अंधेरा, इसी को कहते हैं कुएं में भांग पड़ गई। दुनिया भर में सबको जानते हो परंतु अपने आप को नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। तो जब मनुष्य अपने को जानता है तो ये आत्मा जो है ना, ज्ञान स्वरूप, सबको जानने वाला, सबका साक्षी, ये काल से नहीं कटता। इसकी उम्र जो है ना वो काल से कटती नहीं है, और स्थान से, देश से भी ये नहीं कटता है, देश काल से अपरिच्छिन्न है, और वस्तु से भी नहीं कटता। और ये चैतन्य सजातीय विजातीय सुगत भेद शून्य साक्षात ब्रह्म है, ये आत्मा जो है ना वो ब्रह्म है। ये ज्ञान होना परमात्मा की प्राप्ति होना है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मनुष्य को दुख पर दुख, जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु, ये प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए भगवान लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए बताते हैं, माम उपेक्षतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय, कौन्तेय अर्जुन का नाम है, कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहते हैं। तो ये कौन्तेय नाम एक इस तरह से भी पड़ा है कि इनमें बाप की प्रधानता नहीं है, माता की प्रधानता है। श्री कृष्ण की बुआ कुंती है, बुआ का नाम कुंती है, तो उनके बेटे हैं। तो श्री कृष्ण के वंश का संबंध होने से अर्जुन का नाम कौन्तेय है। अब श्री कृष्ण कहते हैं तुम तो मेरे भाई हो, और मैं तुमको बिल्कुल सच सच ये बात बताता हूं कि जो मेरे पास आ जाता है, मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्मन विद्यते, तुम मेरे पास आ जाओ। कहां जा रहे हो? दुनिया में सारी चीजें मौत से घिरी हुई हैं। एक मैं ही अमृत हूं,
दुनिया की सारी चीजें अज्ञान से घिरी हुई हैं, एक मैं ही प्रकाश हूँ। दुनिया की सारी चीजें दुख से घिरी हुई हैं, एक मैं ही परमानंद हूँ। बाण लगा हुआ, सबको बाण लगा हुआ है, वो तीर, तीर लगा हुआ। तो बाण क्या है, जैसे किसी को तीर लगता है ना, बाण लगता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, तो आनंद छिप गया, जब बेहोश हो जाता है तो ज्ञान छिप गया, और मर जाता है तो सत्ता छिप गई। लेकिन परमात्मा की जब प्राप्ति होती है तब आनंद जाहिर हो जाता है, ज्ञान जाहिर हो जाता है, अपना जो नित्य अस्तित्व है वो जाहिर हो जाता है। तो ये परमात्मा जो है वो कैसा है, ये सत है, चित है, आनंद है। मन इसमें मौत नहीं है, इसमें बेहोशी नहीं है, और इसमें दुख नहीं है, सच्चिदानंद है। और इसका कोई दुश्मन नहीं है, इसके कोई माँ बाप नहीं है, इसके कोई बेटा बंधु नहीं है, ऐसा ये परमात्मा जो है ना, उसी को बोलते हैं माम। तो बुरे काम छोड़ना, बुरी भावना छोड़ना है ना, ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर को जानना, धीरे धीरे जहाँ नरक में गिरे हुए हैं, बुरी जिंदगी बिता रहे हैं, वहां से धीरे धीरे ऊपर उठना, ये परमात्मा के पास पहुँचना है। माम उपेत्य तु कौन्तेय, भगवान कहते हैं अब ये है कि थोड़ा भगवान से भी हंसी मजाक किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है ना, क्यों, अगर भगवान पराये होते ना, कोई दूसरे होते, तो उनसे बोलने में थोड़ा संकोच करना पड़ता। भगवान का ये नियम है कि जो उनके पास पहुंच जाए उसको फिर दुनिया में नहीं आने देते। तो ये तो ये है कि आने की इच्छा ही नहीं होगी, इतना मजा है, इतनी रोशनी है ना, और ऐसा बढ़िया जीवन है वहाँ, अनंत जीवन, दिव्य जीवन, अनंत जीवन है, दिव्य जीवन है, प्रकाशमय जीवन है, आनंदमय जीवन है, ऐसा जीवन है जहाँ मृत्यु का लांछन नहीं है, जहाँ अज्ञान अंधकार की रात्रि नहीं है, जहाँ दुख पीड़ा नहीं है, ऐसा जीवन है। एक बार जो उसमें पहुंच गया उसका फिर लौटने का मन ही नहीं होता, और लौटने का मन न हो तो जबरदस्ती भगवान निकाले क्यों, उनके घर में कोई खिलाने की पिलाने की बेडरूम की सुलाने की कोई कमी होवे है ना, तब तो कहे अब जाओ भाई बहुत दिन हो गए है ना। तो वहां जाने पर मनुष्य के मन में संकल्प नहीं उठता आने का, और भगवान भेजते नहीं। कोई कहते हैं कि नहीं बाबा, जो गया सो लौट के तो आया नहीं, तो कौन खबर दे, शायद ऐसी बात होवे कि महात्मा लोग तो बड़ा वर्णन करते हैं कि वहाँ बड़ा सुख है, बड़ा ज्ञान है, और जो पहुँचता होए जब वहाँ पहुँच जाओ तो ठन ठन पाल कुछ नहीं, निर्गुण निराकार निर्विकार निर्धर्मक निर्विशेष ऐसे बोलते हैं। वहाँ क्या रखा है, तो सबको अपनी अपनी चीज चाहिए ना। अगर चिड़िया को वहां जाने पर फल खाने को न मिले, पशु को मांस खाने को न मिले, तो वो कहेगा भगवान के धाम में क्या है, बोले वहां तो कोई भोग्य वस्तु ही नहीं है, बिना आज कोई चीज खाए और बिना मुंह हिलाए और बिना गले से निकले, और वहां नित्य नई नई तृप्ति होती रहती है, ऐसा है। खाने की तकलीफ, दांत से चबाने की तकलीफ नहीं पड़े हो, इसलिए बिना दांत वाले भी वहां सुखी रहते हैं, ऐसा है, क्योंकि वहां चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं पड़ती, सुख दोनों को है, तो ब्याह की जरूरत नहीं पड़ती, वहां बच्चे खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां धनी होने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने पास पूंजी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां सब सुख अपने आप ही प्राप्त है,
वहाँ पोथी लेके पाठशाला में नहीं जाना पड़ता, स्कूल में कॉलेज में सब ज्ञान अपने आप ही प्राप्त है। वहाँ जीने के लिए डॉक्टर की वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रोग ही नहीं होता, अनामय पद है। तो न वहाँ डॉक्टर वैद्य की जरूरत, ही करने की जरूरत, न दुकान करने की जरूरत है ना। परम आनंद में हर समय मगन 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 है ना। न पढ़ने की जरूरत, न सुखी होने के लिए कुछ करने लेने देने की जरूरत। ऐसा ये परमानंद रूप पद है नारायण, कि वहां से फिर आना जाना नहीं है। और आप सच समझो, वो कहो कि यहाँ नहीं है, कहीं दूर है ना। आप सब लोग देखो, हम अपने दिल की बात नहीं कहते हैं, आप सब लोगों के दिल की बात कहते हैं। वो हमारे दिल में भी है और आपके दिल में भी है, और हमारा आत्मा है और आपका आत्मा है, और कीड़े पतंगे का आत्मा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा है, निराकार साकार की आत्मा है। परंतु उसको न जानना, न पहचानना, न अनुभव करना, यही उससे दूर होना है। न पहचानना यही उसकी दूरी है, न पहचानना यही उसके मिलने में देरी है। ये मरने के बाद की चीज नहीं है, इसी जिंदगी की चीज है, बोला अभी अभी और यही, और इसी रूप में परमात्मा की प्राप्ति होवे। यही दूसरे मजहबों से, दूसरे धर्मों से यही विलक्षणता है। कोई कहते हैं सातवें आसमान में परमात्मा है, कोई कहते हैं बैकुंठ में है, कोई कहते हैं गोलोक में है, कोई कहते हैं सातवें आसमान में है, कोई कहते हैं दुनिया से परे निराकार है, ऐसा है वैसा है। और परमात्मा तो हाजरा हजूर अभी है, यही है और यही है, निकट से निकट है ऐसा। तो जहां उसको पहचान लिया, वहां फिर से जन्म का कोई प्रसंग ही नहीं। असल में आदमी दिन भर में 10 दफे जिंदा होता है और 10 दफे मुर्दा होता है। सोचो, तुम दुखी हो कि सुखी हो? तो दिन भर को देख करके, रात दिन रात दोनों की गिनती करके आप अपने बारे में कोई निर्णय दे सकते हो कि आप दुखी हो कि सुखी हो? कितनी बार दिन भर में ये ख्याल होता है कि मैं सुखी हूँ, और कितनी बार ये ख्याल होता है कि मैं दुखी हूँ? कितनी बार ये ख्याल होता है कि मैं पापी हूँ, और कितनी बार ये ख्याल होता है कि मैं बहुत भले मानुष हूँ? अपने आप को ही होता है। इसी का नाम जन्म है। वो जो अपने को 1 मिनट पहले सुखी समझ रहा था, अब वो 2 मिनट में दुखी हो गया, तो उसका जन्म हो गया। क्या हो गया? पहले सुखी जन्म था, अब दुखी जन्म हो गया। अभी अपने को पुण्य आत्मा समझ रहा था और थोड़ी देर के बाद अपने को पापी समझने लगा, तो क्या हुआ? जन्म हो गया। वो जब अहम बदल जाता है ना, जैसे मैं गृहस्थ हूँ ये जन्म है, और मैं सन्यासी हूँ ये दूसरा जन्म है। जब मैं की उपाधि बदल गई, सुखी बना बदल गया, दुखी बना आ गया, दुखी पना बदल गया, सुखी पना आ गया, पापी पना बदल गया, पुण्यात्मा पना आ गया, और पुण्यात्मा पना बदल गया, पापी पना आ गया। ये जो अपने मैं को बदलते रहते हो ना, इसी का नाम जन्म है। वो इसी का नाम जन्म है। जन्मते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। हमारे मित्र थे नारायण, तो वो गीता की कथा कर रहे थे, तो उन्होंने सुनाया कि जन्म क्या है। बोले, एक जोनी से दूसरी जोनी में जाने का नाम जन्म नहीं है। अगर एक स्त्री नाटक में पुरुष बन जाए तो उसका जन्म कहाँ हुआ? और एक पुरुष नाटक में स्त्री बन जाए तो उसका जन्म कहाँ हुआ? क्योंकि उसका जो मैं है ना, वो यही है कि मैं औरत हूँ या मैं मर्द हूँ, वो बदला नहीं। अपने को स्त्री जानते हुए भी पुरुष का नाटक कर ले, और अपने को पुरुष जानते हुए भी स्त्री का नाटक कर ले, तो उसका जन्म कहाँ बदला? तो जो अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जानते हुए भी अनेक रूप में हो जाए, उसका जन्म नहीं हुआ।
जन्म तो उसका हुआ जिसका मैं बदल गया, सुखी से दुखी हो गया, दुखी से सुखी हो गया, पापी से पुण्यात्मा हो गया, पुण्यात्मा से पापी हो गया। ये जो दिन भर में 17 रूप धारण करते रहते हैं इसी का नाम जन्म होना है। भाव से भावांतर की प्राप्ति का नाम जन्म है, रूप से रूपांतर की प्राप्ति का नाम जन्म नहीं है। स्थान से स्थानांतर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक शकल से दूसरी शकल मिल जाना, इसका नाम जन्म नहीं। जब हम अपने को दूसरा समझ लेते हैं तब हमारा जन्म होता है। तो परमात्मा को पकड़ो भाई, है ना। परमात्मा को पकड़ लेने के बाद आत्मा का वो स्वरूप प्रकट होता है जो सुख में, दुख में, पाप में, पुण्य में, जन्म में, मृत्यु में, दिन में, रात में, है ना, सत्य में, असत्य में, ज्ञान में, अज्ञान में, दुख में, सुख में, सर्वत्र एक रस रहता है। अपने आत्मा के उस स्वरूप का साक्षात्कार, उस स्वरूप की उपलब्धि होती है। तो आओ चलो परमात्मा के पास चले। तो बोले नहीं, आओ दुनिया में ही रहे। तो बताया कि दुनिया में वो चक्कर काटना पड़ेगा, पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो कहते हैं कि ब्रह्मा का भी पुनर्जन्म होता है, औरों की तो बात ही क्या। ये देखो, संसार से वैराग्य कराने के लिए बदलने वाली चीजों में फंसना नहीं। कहे देवता, तुम 5 बरस के लिए कुर्सी पर बैठाए गए हो, बोला अगर तुम अपनी पहली स्थिति को भूल जाओगे और इसी में फंस जाओगे तो जबरदस्ती ये कुर्सी छीन जाएगी, है ना। ये जो तुमको सुविधा मिली है, ये जो तुमको सुविधा मिली है, वो अगर ठीक तरह से बिताओगे तो और भी मिल सकती है, और गलत तरह से बिताओगे तो गलत हो जाएगा। तो ब्रह्मा को भी अपने स्थान से हटना पड़ता है। तो उसका हिसाब बताते हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्रांताम देहो रात्र विदो जनाः। ये वैराग्य की प्रक्रिया है। वो महात्मा लोग दुनिया की तो चीज क्या, ब्रह्म लोग को भी कुछ नहीं समझते हैं। कहते हैं एक बार कुछ हंस जो हैं वो मानस सरोवर से उड़े उड़े आ रहे थे। इधर धरती में क्या था कि चील जो होती है ना, चील, कौवे, ये मांस खा रहे थे। कहीं देखा कि एक झुंड के झुंड हंस आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कहीं ये आक्रमण करके ये हमारे मांस के टुकड़े न छीन लें। तो मुंह में ले लेके सब उड़े। हंसों ने कहा कि हे चीलो, हे कौवो, तुम लोग अपनी मौज से खूब खाओ पियो, ये चीज हमको नहीं चाहिए। हम मान सरोवर के निवासी हैं, हम कमल का रस पीते हैं, हम मोती चुगते हैं, हम ये दुनिया की चीजें नहीं चाहते। तो मनुष्य को अपने मन को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। हो हमेशा अपने मन को परमात्मा में रखना। इतनी बड़ी चीज जब हमको हमारे दिल में प्राप्त है तो दुनिया की छोटी चीज के लिए क्यों व्याकुल होना। देखो, जिसके पास एक आपको 25-30 बरस पहले की बात बताते हैं, कोई बड़े सेठ हमको अपने घर में ले गए थे। उनकी माता जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो कोई बात चली तो माता जी ने बताया कि महाराज, दूसरे लोग व्यापार करते हैं तो अपने घर की संपत्ति तो व्यापार में लगा ही देते हैं, दूसरों से ले ले करके लगाते हैं और दूसरों के शेयर बहुत होते हैं, लेकिन हम जो व्यापार करते हैं वो इतने लालच में कभी नहीं आते। बोले, आधा संपत्ति हमारे घर में रखी हुई है, जितनी व्यापार में लगाई गई है ना, उतनी संपत्ति हमारे घर में अलग से रखी हुई है कि जरूरत पड़े तो हम अपने करोड़ों के व्यापार को संभाल सकें। हम आपको दृष्टांत की बात कहते हैं।
तो दुनिया की कोई चीज कभी आवे कभी जाए कभी बिगड़े कभी बने है न? हमारे घर में हमारे हृदय में इतनी बड़ी पूंजी रखी हुई है कि जब हम चाहे जब अपने को संभाल सकते हैं। अपना आत्मा, अपना परमात्मा, अपने हृदय में रहने वाला अपना प्यारा यदि अपने हृदय में सुरक्षित है तो बाहर की चीजों का आना जाना क्या करेगा। तो ब्रह्मा की भी उम्र होती है, वो सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। अब ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है वो बताते हैं। ये भी एक बात है कि वैसे संसार में गणितज्ञ तो बड़े बड़े हैं, परंतु गणित का जो पुराना जो रूप है गणित का, वो भारतवर्ष से यूनान के रास्ते सारी दुनिया में फैला हुआ है। यहां तक कि ये जो संख्याएं हैं ना, वो सब जगह यही है। वो ये 10 तक की गिनती जो है ये सबसे पुरानी हिंदुस्तान में है। ये 12 महीने भी हिंदुस्तान के ही हैं सबसे पुराने। अगस्त के होने पर ये सुकरात का जो चेला था अगस्त है ना, उसने शोध किया कि 11 महीना होने से तो कालचक्र की गणना ठीक नहीं होती है, 12 होने चाहिए, तो एक महीना उसके नाम पर बढ़ाया गया। और भारतवर्ष में वेदों के समय से ही 12 महीने हैं। अच्छा, गणित की संख्या है ना 10, जैसे 10 है तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख और करोड़, अरब, नील, पद्म, ये जो संख्या है ना, और इससे भी बड़ी बड़ी संख्या है। परार्थ एक संख्या है, परार्थ एक संख्या है, असंख्य उस संख्या का नाम ही है असंख्या। और ये बहुत पुरानी पुस्तकों में मिलता है। इससे मालूम होता है कि हमारे जो विद्वान थे वो गणित में बड़े निपुण थे। अच्छा, दुनिया के लोग जो है ना, आजकल के वैज्ञानिक लोग, वो सोच नहीं सकते इस बात को कि जब दूरबीन नहीं बने थे, जब खुर्दबीन नहीं बने थे, जब बड़े बड़े यंत्र नापने के लिए नहीं थे, तो अमुक दिन को सूर्य में ग्रहण लगेगा और अमुक दिन को चंद्रमा में ग्रहण लगेगा, ये गणित भारतवासी कैसे निकालते थे। कैसे उन्होंने पकड़ा कि पृथ्वी की गति ऐसी और चंद्रमा की गति ऐसी और सूर्य की गति ऐसी और अमुक दिन को ग्रहण लगेगा, ये कैसे उन्होंने पकड़ा। तो गणित के बड़े भारी विद्वान थे। हो तो एक सहस्त्र चतुर्युगी माने 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक हिसाब देखो और इसका नतीजा देखो क्या निकलता है। तो 1000 चतुर्युगी का अर्थ ये होता है कि 4,32,000 बरस का तो कलयुग होता है और 8,64,000 बरस का द्वापर होता है और 12,96,000 बरस का त्रेता होता है और 17,28,000 बरस का सतयुग होता है। ये कलयुग का दुगुना द्वापर और द्वापर द्विगुना, कलयुग का द्विगुना त्रेता और चौगुना सतयुग, कुल मिला के 43,20,000 बरस की एक चतुर्युगी होती है। और ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा के एक दिन में होती है। 1000 चतुर्युगी का अर्थ है 4,32,000,000,000 वर्ष, हमारे हिसाब से 4,32,000,000,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी बड़ी एक रात होती है। अब हिसाब लगाओ सृष्टि का। अब ऐसे सोचो, देखो क्या वैराग्य की क्या बात है उत्तम। ये काल की दृष्टि से, हमारे तो काल की दृष्टि से ये है, ये दुनिया में फंसो मत। समझो ब्रह्मा के की एक सभा है और उसमें एक घड़ी लगाई हुई है, घड़ी
सहस्त्र चतुर्युगी, एक दिन में सहस्त्र चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी। सहस्त्र चतुर्युगी में 14 मनवंतर है, तो समझ लो 14 घंटे का ब्रह्मा का एक दिन। उस एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी संध्या संध्यान सहित बोला 72 के लगभग, 71 से ज्यादा और 72 के लगभग। और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष। अब समझो ब्रह्मा के एक घंटे में है, ब्रह्मा के एक घंटे में एक मनवंतर, और एक मनवंतर के 71वें हिस्से में 71 सेकेंड का, अगर उनका एक मिनट माने, एक घंटा 71 मिनट का एक घंटा माने है, तो एक चतुर्युगी और उसमें घड़ी में जो टेक 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 होते हैं ना, ब्रह्मा जी की घड़ी में टेक टेक होते हैं, और उसमें कितनी सृष्टि बदलती है, कितने राज्य बदलते हैं, कितनी उथल पुथल होती है, कितनी संस्कृतियां बदल जाती हैं, कितने राज्य बदल जाते हैं, कितने संप्रदाय बदल जाते हैं, कितनी भाषाएं बदल जाती हैं, किसको पकड़ करके बैठते हो भाई, किसको हम नहीं छोड़ेंगे। आपको हिंदी की बात सुनावे, सन 26-27 में जैसी हिंदी हम लोग पढ़ते थे ना अखबारों में, और जैसी कविता पढ़ते थे और जैसे अनुवाद पढ़ते थे, अब वैसे नहीं होते हैं, बदल गई हो। वेद काल की संस्कृत दूसरी है और ऋषि काल की संस्कृत दूसरी है और अब के विद्वानों के समय की संस्कृत दूसरी है। परिवर्तन होता जा रहा है, वस्तुओं के गुण में, धर्म में, आकृति में, संस्कृति में, भाषा में, संप्रदाय में, मजहब में, जाति में, राष्ट्र में, वस्तुओं के गुण में, धर्म में, आकृति में, संस्कृति में, भाषा में, संप्रदाय में, मजहब में, जाति में, राज्य में, शासन में, आकृति में, प्रकृति में परिवर्तन होता जा रहा है। एक अपरिवर्तनशील जो वस्तु है ना, उसको परमात्मा बोलते हैं, वो सच्चा ज्ञान है और वो सच्ची वस्तु है। तो किसी भी बदलने वाली चीज के लिए इतनी जिद कर बैठना कि वो हमेशा हमारे पास रहे और हम उसको पकड़े ही रहें, यही दुख का कारण है। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि दुनिया में जब कोई चीज हमारे हाथ में आती है तब हम उसको पकड़ लेते हैं कि बस 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 अब यही यही यही, अब वो तो जाएगी और जाएगी तो रोगे। सहस्त्र युग पर ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन कितना हुआ हमारे हिसाब से, 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन, और उतनी बड़ी रात हुई 24 घंटे। अब उसके हिसाब से 15 दिन का पक्ष हुआ, महीना हुआ 30 दिन का, 360 दिन का वर्ष हुआ, और उस वर्ष के हिसाब से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जिंदा रहते हैं, और ये ब्रह्मा भी मरते हैं, और ये ब्रह्मा का जो जीवन है ना 100 वर्ष, ये विष्णु का एक क्षण है। ये देखो काल की नित्यता पर विचार करो है ना, और उसके हिसाब से फिर विष्णु की आयु तो वो शंकर जी का एक क्षण, अच्छा, और वो उस हिसाब से शंकर जी की 100 वर्ष की आयु तो निराकार ईश्वर का एक संकल्प है ना, एक संकल्प निराकार ईश्वर का, और वो एक संकल्प निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में केवल प्रतीति मात्र, केवल कल्पना। हे नारायण बोलो, अब जिसको वो परमात्मा प्राप्त हो जाए, वो मुक्ति प्राप्त हो जाए, वो कितनी बड़ी, उसकी उम्र कितनी बड़ी। अब इसी तरह से स्थान को ले लो, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, और विराट के एक एक रोम कूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड, और वो विराट हिरण्यगर्भ का आविर्भाव, और वो हिरण्यगर्भ ईश्वर का संकल्प, और वो ईश्वर जो है वो माया के संबंध से परम ब्रह्म परमात्मा में भासमान,
तो फिर परमात्मा कितना बड़ा हुआ, परमात्मा के बड़प्पन को देखो, परमात्मा की अविनाशीता को देखो, परमात्मा की पूर्णता को, अद्वितीयता को देखो। वहाँ पुनर्जन्म का क्या प्रसंग है, अगर छोटी चीज में अपने दिल को लगाओगे, दिमाग को लगाओगे, तो दुखी होना पड़ेगा। तो सहस्त्र युग पर्यंतम आहार यद ब्रह्मणो विदुहु, ब्रह्मा का जो दिन है वो सहस्त्र चतुर्युगी है और रात्रि भी सहस्त्र चतुर्युगी है, और इन तीन दोनों को जिसने जान लिया, दोनों का माप ठीक ठीक जान लिया, वो अहोरात्रविद है, वो ब्रह्मा के दिन और रात को समझता है। तो देखो ये जितनी दुनिया दिख रही है, वो जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब मिट जाते हैं, और जब जागते हैं तब प्रकट हो जाते हैं। माने हर 4,32,00,00,000 वर्ष का दिन पूरा होने पर ब्रह्मा सोते हैं। अब देखो इसमें भी ये वेदांती लोग जो है ना, जिनको ये आदत पड़ जाती है कि बस हर समय आत्मा ही आत्मा की बात सुनो, वो पसंद नहीं करते हैं वो। लेकिन देखो इसमें से बात क्या निकलती है, वो तो ध्यान में दो। एक तो जिन चीजों को तुम महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण दुनिया में समझते हो, परमात्मा की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है। अच्छा, एक बात हुई, और दूसरी बात ये हुई कि जब ब्रह्मा सोते हैं तब सृष्टि सो जाती है, और जब जागते हैं तब सृष्टि जाग जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे हम सपना देखते हैं ना, तो जब तक सपना देखते हैं तब तक सपने की सृष्टि रहती है, और जब गाढ़ निद्रा आ जाती है तब सपने की सृष्टि मिट जाती है। तो ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये तो ब्रह्मा का स्वप्न है। हम सब कैसे शरीरधारी, सब कैसे, बोले ब्रह्मा के स्वप्न में। जब तक वो सपना देख रहे हैं तब तक है, और सो एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा, और अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा है हिरण्यगर्भ, उसके संबंध में तो कह नहीं क्या। तो अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थो प्रभवत्यः रागमे। सब चीजें अव्यक्त में से व्यक्त होती हैं, अनजाहिर में से जाहिर होते हैं। एक बीज देखो, पुष्प का दाना देखो, एक बड़ का दाना देखो, एक गेहूं का दाना देखो, उसके भीतर तना कहाँ है, उसके आम खाते हैं ना आप, तो आम का बीज भी तो देखते होंगे ना, वो ऊपर से सख्त होता है वो बीज, भीतर उसके जो गुठली होती है ना, उसको उसकी विद्या आप लोग शायद न जानते हो। शहर के लोग, गांव के लोगों को जब गेहूं खाने को नहीं मिलता है ना, वो दुर्भिक्ष पड़ता है, या बहुत गरीब लोग होते हैं, तो ये आम के जो बीज है उसको तोड़ते हैं, जैसे बादाम को तोड़ते हैं ऐसे। तो इसमें से जो गिरी निकलती है उसको पीस के आटा बनाते हैं, और गुड़ मिला के उसकी रोटी खाते हैं। तो वो जो बीज निकलता है ना, बीज जो गिरी निकलते हैं, अच्छा आप बता सकते हैं कि उस बीज के भीतर कितने आम छिपे हुए हैं, है कोई गणितज्ञ ऐसा? अरे वो ब्रह्मा का बाप है बोला, वो बीज नहीं, वो ब्रह्मा का बाप है, वो विष्णु है। कि कैसे, आप देखो कि जैसे एक आम का बीज बो दिया जाए तो उसमें से एक पेड़ निकला, और 10 बरस का होने के बाद वो फल देने लगा, और हर साल 5,000 फल एक पेड़ पर मान लो फलते हैं, तो 100 बरस तक वो कितने फल देगा? और वे फिर सब फल धरती में लगा दिए जाएं और सबसे पेड़ हो जाएं, तो उनमें जो फल निकलेंगे वो कितने होंगे? और फिर वे सब लगा दिए जाएं, एक समय सृष्टि में ऐसा आवेगा जो आपके हाथ में आम का बीज है, उसी बीज के सारे पेड़ धरती पर और सारे ब्रह्मांड में होंगे, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। तो आमों का ब्रह्मा कौन है?
आमों का ब्रह्मा वो है जो आपके हाथ में बीज है, बोला। इसी से कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बीज के एक एक कण में हो, मनुष्य के शरीर में बीज के एक एक कण में कोटि कोटि ब्रह्मा छिपे हुए हैं। आप देखो उसमें आगे सारी सृष्टि आपकी होने वाली है। तो जब बीज भस्म हो जाता है तब सृष्टि नहीं होती है। ये जो मन में वासना है ना, मन में वासना के रूप से समूची सृष्टि छिपी हुई है। और जब आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो करके वासना का जो मूल है अज्ञान, जब वो अज्ञान ही नष्ट हो जाता है तब वासना जो है वो दग्ध हो जाती है और तब मनुष्य जो है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए मुक्ति के मार्ग में जिसको चलना होता है उसको थोड़ी बहुत चीज का नहीं, बहुत बड़ी वस्तु का विचार करना पड़ता है। और ये मुक्ति का मार्ग इसीलिए कहते हैं कि भाई इस रास्ते में चलो, तो ये तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है लेकिन फल इस रास्ते में चलने का पहले कदम पर मिलेगा। एक कदम इधर को रखो और देखो इसका मजा, ऐसा है कि एक कदम चलो और देखो देखो इसका मजा। ये सुख जीवन में यदि सुख बुलाना चाहते हो, शांति बुलाना चाहते हो, यदि अपने जीवन में पवित्रता चाहते हो, एकाग्रता चाहते हो, है ना, यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हो तो इस रास्ते में चलना पड़ता है। तो अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब उसी अव्यक्त में से, अव्यक्त माने जो चीज जाहिर नहीं है, व्यक्त उसको कहते हैं जो जाहिर है, प्रकट है, और अव्यक्त उसको कहते हैं जो अप्रगट है, अनजाहिर है, उसी में से ये सारी प्रगट चीजें निकलती हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो उसी अव्यक्त में सब की सब लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा का सोना और ब्रह्मा का जागना, ब्रह्मा के जागने से सारी सृष्टि का निकल जाना और ब्रह्मा के सोने से सारी सृष्टि का लीन हो जाना, ये इस प्रक्रिया को अगर कोई समझ जाए ठीक ठीक। देखो दुनिया में दो तरह की चीज होती है, जैसे हम लोग सोते हैं ना तो दुनिया मर तो नहीं जाती ना, दुनिया अपना काम करती रहती है और हम उसको छोड़ के सो जाते हैं, तो दुनिया तो बनी रहती है, स्त्री भी है, पुत्र भी है, धन भी है, मकान भी है, और हमारे मन में जो सबके साथ संबंध है वो सोते समय टूट जाता है। ये तो है ना, सब बिना संबंध थोड़े कैसे टूटेंगे। हमारे बाबा हमको गोद में लेके रात को सोते थे, तख्ते पर। तो जब वो सो जाते ना, पहले तो पकड़ के सोते, जब सो जाते तो मैं करवट बदलता और धरती पर गिर पड़ता उससे, है ना, तो उनको पता ही नहीं चलता, धरती पर पड़ा रहता। जब वो जागते तब ढूंढते कि कहाँ गया कहाँ गया, है ना। पति पत्नी, माँ बेटे, है ना, बाप बेटे, दादा बेटे सोते हैं और सोते समय संबंध का सारा सूत्र कट जाता है। तो हम लोग सोते हैं तो सृष्टि नहीं मिटती, सिर्फ रिश्ता मिटता है। सो जाने पर दुश्मन रहता है परंतु दुश्मनी नहीं रहती, ममी रहती है पर ममता नहीं रहती, सोने पर ऐसा होता है ना। तो हम लोग सोते हैं तो चीज नहीं मिटती, सिर्फ संबंध मिटता है। लेकिन जब ब्रह्मा सोते हैं तो ब्रह्मा की कारीगरी भी मिट जाती है और संबंध भी मिट जाता है। केवल पंचभूत रहते हैं, वो मिट्टी, पानी, आग, हवा, यही रहते हैं। और जब हिरण्यगर्भ सोता है तब ये पंचभूत भी नहीं रहते हैं और संबंध भी नहीं रहता है। ईश्वर को कभी नींद आती नहीं, उनके तो संकल्प में ये सारी सृष्टि है। और ब्रह्म जिसको कहते हैं
उसमें संकल्प की भी प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म में संकल्प की प्राप्ति नहीं है, ईश्वर में एक संकल्प नित्य, माया जो है ना, माया कहो संकल्प कहो एक चीज है। हिरण्यगर्भ में वस्तु और संकल्प, वस्तु और संबंध जुदा जुदा नहीं है, और ब्रह्मा में पंचभूत और संबंध जुदा जुदा है। और हमारे तो महाराज सब वस्तुएं रहती हैं, केवल संबंध ही कटता है सोते समय, फिर जगे तो ज्यों के त्यों है ना। देखो रोते रोते सो जाते हैं तो उतनी देर दुख नहीं रहता है, फिर जग गए तो फिर रोने लग गए, हंस लेते हैं हो फिर याद आती है तो रोने लगते हैं। ये दुनिया में याद कर करके रोते हैं, याद कर कर सचमुच, जैसे कोई कहे कि हे बहन आओ हमको मारो, ऐसे दुनिया के लोग पुरानी बातों को याद कर करके अपने दिल को कुढ़ाते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि ये भूतों का जो गांव है ये कैसे पैदा होता है और कैसे ब्रह्मा में लीन होता है। अब ये प्रसंग आपको कल सुना।